देखिए जो मनोहरलाल खट्टर गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं था, उनका फेथ था हाउस में। और उनको रिजाइन करा के सारी गवर्नमेंट को, जो नैब सिंह सैनी हैं कुरुक्षेत्र के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट, उनको ला के चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। ये संविधान की आर्टिकल 164 सब आर्टिकल 4 की उल्लंघना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है फॉर टू रीजंस, क्योंकि उसमें जो है ये ना तो किसी हाउस के मेंबर हैं पहली बात, दूसरी बात हाउस की जो स्ट्रेंथ है 90 की है, तो अगर इनको लाया गया है तो 91 हो जाती है। तीसरी बात ये है इन्होंने अभी तक मेंबर पार्लियामेंट से रिजाइन नहीं किया, इट इज़ ए केस ऑफ करप्शन एंड माल प्रैक्टिस अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955। और इसके अलावा आप ये देखिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना हो रही है, इसमें तो जो हाईकमांड का आदेश है बीजेपी की हाईकमांड का, उसका आदेश पालन किया है। सो ये ओथ भी गलत है इस हिसाब से। ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने उठाई हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से इंस्टॉल किए जाएंगे तो फिर संविधान की क्या जरूरत रहेगी? ये संविधान को कमजोर करने की एक चेष्टा है या क्या है? इसका जो है हरियाणा सरकार आके और भारत सरकार आके, जिनको मैंने पार्टी बनाया है, नए मुख्यमंत्री और उनके पांच जो हैं सदस्य कैबिनेट टीम के, उनको वो आगे जवाब देंगे। और दूसरी बात इसमें ये है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है इस हिसाब से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनकी जो है जो पांच इनके सदस्य हैं टीम के कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी भी इलीगल है, और इस हिसाब से इनकी डिसक्वालिफिकेशन भी मैंने मांगी है। देखिए परसों आ जानी चाहिए इसकी सुनवाई, आगे देखते हैं माननीय हाईकोर्ट क्या इसको कैसे लेती है, किस हिसाब से लेती है, क्या अर्जेंसी देखती है इसमें।